बिल्कुल, आज पूरी संभावना है कि आज सोनिया गांधी जी की ओर से नाम घोषित हो जाएगा और कल तक जो है वो मुझे लगता है कि नया मुख्यमंत्री जो है वो पंजाब के लोगों को मिल ये जाएगा। जो बदलाव हुआ है एकदम से, क्या इसको किस तरह से देखते हैं आप? एज ए एमएलए भी हैं, पुराने सीनियर मुझे मुझे लगता है कि शायद हाईकमान ने इस चीज़ की ज़रूरत समझी होगी, और क्योंकि उनके पास इनपुट है, सभी लोगों से बात की होगी उन्होंने, तो मुझे लगता है कि पार्टी का अंतिम फैसला होता है, तो हम सब पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं, और मुझे लगता है कि इससे शायद पंजाब की भलाई होगी, पार्टी के लिए बेहतर होगा, तो हम अच्छा विकल्प देख रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अच्छा होगा, नया फ्रेश फेस सामने आएगा और नई एनर्जी के साथ सब लोग मिलकर के काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि 2022 का सफर बहुत इजी और तेजी से तय कर क्या पाएंगे। टाइम आप सही समझते हैं कि 3 महीने रह गए और नाम चेंज कर दिया, क्या इससे नुकसान नहीं होगा कांग्रेस नहीं को? नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको कहा है कि जब भी किसी भी फ्रेश चेहरे को आगे लेकर आते हैं या एनर्जी भरा कोई इंसान सामने आता है, तो उससे तो फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। और इसके अलावा दो डिप्टी सीएम का भी नाम आ रहा है, या उसमें आपका भी नाम आ रहा है लिस्ट में, तो क्या कहना है मुझे आप? मुझे इस बात की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। जब वन लाइन रेजुलेशन कर दिया गया, सोनिया गांधी को सारे अधिकार दे दिए गए कि वो जिसको चाहे चुन ले, मेरा ख्याल जब तक सोनिया गांधी चुन के किसी नामों को मोहर लगा के नहीं भेजती, तब तक सभी चीज़ों के लिए क्यासराइयाँ हैं। वेट करिए, कुछ कब घंटों की तक, बात है, कितने घंटों में हो कुछ जाएगा घंटों की बात है, वो आज दोपहर तक ये जो क्लियर जिस हो तरह से जाएगा। नाम चल रहे हैं, कभी किसी के चल रहा है अगर कोई नाम, बात नहीं, क्या क्योंकि अब वो नाम चलने बंद हो गए ना, जब अधिकार दे दिया जाता है अपने लीडर को, अपने लीडर पे भरोसा जता दिया जाता है, तो उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। वो भरोसे के साथ एक लिफाफा आएगा, उसमें नाम आएंगे, वो मीडिया के सामने पढ़कर सुनाएंगे, तो सब लोग खुश हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि इससे एनर्जी आएगी अब 2022 में हाँ कांग्रेस को? बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी आएगी। ABP सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।